नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। गाइस, आप लोगों ने जस्ट डायल का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिए। गाइस, मेरा एक बिजनेस अकाउंट चलता था बहुत पहले, जो कि मैंने क्लोज कर चुका था, ठीक है। इसके अलावा गाइस, जस्ट डायल कंपनी ने मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर दिया था कि सर मेरा ये है, वो है, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है, ले लीजिए, आप अपना बिजनेस अकाउंट चालू कर लीजिए। लेकिन मैंने वो लिया नहीं पैकेज। इसके अलावा मैंने 6 महीने साल भर बाद फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, मेरा एक न्यू बिजनेस चालू हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा पैकेज है, 1 साल का पैकेज है, 15,000 कुछ रुपया है, तो आप लेना चाहे ले सकते एक बार में, चाहे आप मंथली में, हर एक महीना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको स्कैम चालू होना शुरू हो गया गाइस। तो इन्होंने, मैंने बोला कि ठीक है सर आपने भेज दीजिए, तो उन्होंने एक बंदा भेजा मेरे पास, ठीक है। उन्होंने सारे कैटेगरिया जो समझाया उसमें से कुछ कुछ छुपाया, उन्होंने पूरी बात बताया नहीं है, पूरी बात बताया नहीं है, ठीक है। और मुझे तो नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने इसमें बिजनेस के लिए इस पर काम कर रहा हूँ जस्ट डायल में। इन्होंने मेरे को बोला कि आपको ये सब चीज़ मिलेगा। उन्होंने मेरे को बकायदा लिख के भी दिया, ठीक है, एक कागज़ में लिख के भी दिया। मैं आपको हो सकता नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाए, इसका पार्ट 2 भी हो सकता बने, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। इन्होंने बोला मेरे को कि सर 15,000 का पैकेज है, तो आप ले लीजिए, नहीं तो फिर आप मंथली करके भी दे सकते हैं। 1179 के आसपास हर एक महीना आपको पे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे से 2 महीने का डाउन पेमेंट उन्होंने ले लिया, 2300 कुछ रुपया। इसके अलावा फिर एक महीना और मेरे से पैसा कट गया, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि सर आपको लगभग 1 महीना में टोटल 60 से 80 लीड आएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे को लीड कितना मिला आप लोग जान के परेशान हो जाओगे गाइस। मेरे को जो लीड आया टोटल 24 लीड आया 1 मंथ, 1 महीना में 24 लीड आया, ठीक है। इसके अलावा गाइस, और जो भी लीड आए 24 लीड में से, एक बार तो क्या हुआ गाइस, जो मैंने जब उनको कॉल किया, ठीक है, मेरे लीड आए हुए थे, मैंने जब कॉल किया उनको तो हाँ, मैंने पूछा कि सर हेलो सर, मैं सुनील कुमार यहाँ से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया, कोई लीड नहीं है, तो आप क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है गाइस। और एक मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ, जो कि और एक जो लीड है, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने पूछा सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा तो कोई इस तरह का मैंने कॉल नहीं किया, ना कि कुछ जस्ट डायल में सर्चिंग की है, मेरा तो जो कि सब्जी का बिजनेस है। उन्होंने मेरे को पूछ रहा गाइस कि भेज दो, 2 बोरा आलू, 2 बोरा प्याज, ऐसे करके उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और गाइस क्या बताओ, जो कीवर्ड जो होता है ना जस्ट डायल में, जो कीवर्ड रहता ना, क्या बताऊँ मैं, मेरे को फर्स्ट टाइम एक बंदा आया, उन्होंने बोला कि सर ऐसा 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 क्या क्या समझाया, मेरे को माइंड में नहीं आया। मैं भी थोड़ा सा जल्दी में था और वो भी जल्दी में थे कि हमको तुरंत करके हमको भागना, ठीक है। तो गाइस उन्होंने क्या किया, कीवर्ड ऐसा डाल के रखे थे गाइस कि मतलब
क्या बताओ, अगर मैं खुद सर्च कर रहा हूँ उसमें, तो सर्च के लिस्ट में ना कि मेरा एकेडमी का नाम आ रहा, ना कि कोई अगर सर्च कर रहा है तो वो चीज़ आ रहा है गाइस। तो बताओ मैं क्या करूँ। और मात्र जो 4 से 5 कीवर्ड मेरे को ऐड किया गया था, फिर इसके अलावा जब मैंने कॉल किया, एक बंदा जो मेरे पास आया था अभिषेक कुमार झा, उसको जब मैं कॉल कर रहा तो उन्होंने कॉल तो उठाया, ठीक है कॉल उठाया, मैंने उसको बताया सारा चीज़ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आके मेरा सॉर्ट आउट कर दीजिए, मैं नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कर लिए, उनसे नहीं हो पाया। फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, सात दिन, आठ दिन, मतलब टोटल 15 दिन के बाद फिर मैंने कॉल किया। मैंने कॉल किया राकेश दत्ता जो कोलकाता डिपार्टमेंट से है, उनको मैंने कॉल किया, उनको बोला कि सर मेरा कीवर्ड में क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों ने क्या किया हमको समझ में नहीं आया। तो ऐसा ऐसा बात है कि मेरा कि कोई भी अगर सर्चिंग में कर रहा तो मेरे सर्चिंग लिस्ट में मेरा एकेडमी का नाम नहीं आ रहा, और ना कि कोई सर्च कर रहा कि अगल बगल में कोई डांस क्लासेस वगैरह जो भी है नहीं आ रहा, ठीक है गाइस। तो मैंने उनको बोला फ़ोन करके, बकायदा मैसेज भी किया, मैं आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा, हो सकता नेक्स्ट वीडियो मेरा बने, मेरे पास लिखित भी है, इसका सारा प्रूफ मैं आपको दूंगा गाइस, ठीक है आप बने रहिएगा। इसके अलावा मैंने उसको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरे को कि सर मैं आपका काम कर दे रहा हूँ, 24 से 48 घंटे बाद आपका कीवर्ड ऐड हो जाएगा। मैंने आपका कीवर्ड टोटल 30 से 20 कीवर्ड ऐड किया हुआ, ठीक है गाइस। तो मैंने 24 से 48 घंटा वेट किया, वेट करने के बाद मैंने फिर और 24 घंटा 48 घंटा, में टोटल 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया। 5 दिन के बाद मैंने फिर दोबारा कॉल किया अभिषेक कुमार झा, जो कि मेरे पास जो आए थे, ठीक है उनको मैंने कॉल किया। तो उन्होंने फिर कॉल उठाया, बोला कि सर ऐसे ऐसे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते, तो मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर मैंने अभिषेक, फिर मैंने राकेश दत्ता को कॉल किया जो कि कोलकाता डिपार्टमेंट से, मैंने बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कॉल किया, मैंने कॉल किया, तो फिर उन्होंने उनको, फिर मैं वो एक ही चीज़ वही बात मैं बोला कि सर मेरा कीवर्ड थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, मेरा कीवर्ड में सिर्फ टोटल 7 कीवर्ड है, तो सर्चिंग लिस्ट में कुछ आ नहीं रहा, ठीक है सर्चिंग लिस्ट में कुछ आ नहीं रहा। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को कीवर्ड ऐड किया, मेरे पास मैसेज भी आया कि 24 से 48 घंटा बाद आपको कीवर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कीवर्ड ऐड नहीं हुआ। फिर उसके फिर 3 दिन 4 दिन बाद फिर अभिषेक कुमार झा को मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद वो कॉल तो उठाए नहीं। फिर मैंने और एक बार कॉल लगाया 2 दिन 3 दिन के बाद, फिर उन्होंने कॉल किया तो बोला कि मेरा तो वो लोकेशन में आज विजिट नहीं है, मैं किसी और दिन आऊँगा। तो मैंने फिर उसको कॉल किया कि सर आइए आप मेरा कीवर्ड ऐड कर दीजिए, तो उन्होंने बकायदा आया मेरे पास, उन्होंने कीवर्ड ऐड कर दिया, मेरे पास मैसेज भी आया कि 24 से 48 घंटे बाद आपको कीवर्ड ऐड हो जाएगा। मेरे मोबाइल से उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन वो कीवर्ड ऐड नहीं हुआ। टोटल मेरा जब से स्टार्ट हुआ गाइस, मेरा कीवर्ड कम से कम 1 महीना तक मेरा कीवर्ड ऐड नहीं हो पाया। इसके अलावा फिर कीवर्ड जब मैंने अभिषेक कुमार झा को फिर से कॉल किया, आप लोग ध्यान दीजिए गाइस कि मैंने कितना बार कॉल किया, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है मैंने कितना बार कॉल किया। इसके अलावा मैंने फिर एक बार कॉल किया तो बोला कि सर मैं अपने मोबाइल से एक मेल भेज रहा हूँ जो कोलकाता डिपार्टमेंट से हेड ऑफिस में, तो आपका ये चीज़ हो जाएगा 24 से 48 घंटा बाद आपको ये काम हो जाएगा। तो ठीक है, करीब 1 महीना बाद, 1 मंथ के बाद गाइस मेरा जो कीवर्ड ऐड हुआ, ठीक है कीवर्ड ऐड हुआ, तो कीवर्ड ऐड होने के बाद फिर मेरा वही चीज़ चालू हो गया कि जितना भी मेरा लीड आ रहा सब फेक लीड आ रहा, सब फेक लीड आ रहा। करीब 1.5 से 2 महीना होने जा रहा, मेरे को एक भी कस्टमर नहीं मिला, और मेरे को बताया गया था कि आपको वेरीफाइड सील मिलेगा, थम्सअप का लोगो मिलेगा, और आपको
वेबसाइट मिलेगा आपके जो बिजनेस से रिलेटेड, एक वेबसाइट मिलेगा और 35% आपको जस्ट डायल ने आपका बिजनेस को ग्रो करेंगे और बहुत सारा चीज़ है। मैं आपको गाइस वो चीज़ दिखाऊंगा और बकायदा मेरे पास लिखित है, मैं आपको लिखित भी वो चीज़ आपको मेंशन करूंगा स्क्रीन के साइड पे नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, तो आप लोग वो चीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और गाइस आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप लोग ये वीडियो देखते रहिए और जितना भी हो सके गाइस जस्ट डायल को बायकॉट कीजिए। और हाँ, मैं वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ गाइस कि अगर आप लोग सोच रहे कि जस्ट डायल में आप एक बिजनेस को ग्रो करेंगे और काम करेंगे, नहीं गाइस, आप लोग जस्ट डायल में कोई भी ऐड मत दीजिए, कोई भी काम नहीं। अगर आपके अगल बगल में अगर जस्ट डायल वाला अगर आए तो उसको दम भर दीजिए, ठीक है गाइस। और जस्ट डायल के थ्रू आपको कोई भी काम नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना, जो कि ये फ्रॉड है, एक चीट कंपनी है। आप लोग इससे मतलब काम नहीं करना तो नहीं करना, बायकॉट करना है इससे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो कि जितना भी हो सके ये वीडियो को देखे और 10 बार सोचे कि मैं जस्ट डायल में काम करूँ कि नहीं करूँ। आप लोग 10 बार सोचोगा इस, इसके बाद फिर अपना बिजनेस शुरू करो जस्ट डायल। इससे बढ़िया आप गूगल में डाल सकते हो, गूगल बहुत अच्छा है जस्ट डायल के थ्रू, जो कि जस्ट डायल ने पैसा ले के भी गाइस आपको काम नहीं मिलता। मेरे पास तो ऐसा सा केस मेरे को सुनने को मिला तो आप साल भर आपको पेमेंट आपका एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, NCS बोल के एक ऑटो डेबिट होता जो कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता, ठीक है। ये ऑटो डेबिट होता, आप लोग NCS कभी नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप लोग NCS ऑटो डेबिट बोलते हैं इसको, एक बार आपने अगर ऑटो डेबिट इनसे लिंकअप अगर करवा लिएगा इसे, तो आप अगर बिजनेस करें चाहे नहीं करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपका जो हर एक मंथ आपको पैसा कटेगा NCS करके ऑटो डेबिट होता है, जो आप ATM से आपको बैंक से कटेगा। अगर आप लोग अगर गाइस और इंक्वायरी चाहते हैं तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जितना नॉलेज हो सके आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊंगा कि NCS क्या होता है गाइस और NCS के थ्रू और क्या फ्रॉड लोग किया मेरे साथ, इसके बाद में और एक वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा प्रूफ के साथ, जो कि मैं आपको प्रूफ दूंगा गाइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा, आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग पे और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, नमस्ते।